हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नाले टू 47। आज हम लोग देखो बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी। रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 100% ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं कुछ वर्ड, किससे रिलेटेड, रूट वर्ड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखिए सभी वर्ड के सामने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, साइड वर्ड ऐड है। देखिए जितने भी वर्ड हैं आपके सभी के वर्ड के लास्ट में आपको क्या ऐड है, सभी वर्ड के लास्ट में आपका साइड वर्ड ऐड है। क्या ऐड है, साइड वर्ड। देखिए साइड का मीन्स क्या होता है, कि साइड का मीन्स होता है टू किल या मर्डर, हत्या से रिलेटेड होता है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपका क्या गिवेन हो, साइड वर्ड गिवेन हो, क्या गिवेन हो, साइड वर्ड गिवेन हो, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, मर्डर से रिलेटेड हो जाता है वो वर्ड। मान लीजिए कोई वर्ड दिया है, वर्ड के बाद में आपका लिखा हुआ साइड, क्या लिखा हुआ, साइड, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये वर्ड आपका मर्डर से रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेड टू मर्डर। ओके गाइस, तो समझते हैं। पहला वर्ड दिया है आपका इन्फैंट्रीसाइड। पहला वर्ड आपका क्या दिया गया है, इन्फैंट्रीसाइड। तो इन्फैंट्रीसाइड, देखिए इन्फैंट का मीन्स क्या होता है, इन्फैंट मीन्स होता है शिशु, इन्फैंट मीन्स क्या होता है, सुसाइड मीन्स क्या होता है, मर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, शिशु की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, इन्फैंट्रीसाइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिशु की हत्या करने वाला क्या होता है, इन्फैंट्रीसाइड होता है। मैट्रीसाइड क्या होता है, मैट्री मीन्स होता है मदर, तो मदर की हत्या करने वाला क्या होगा, मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड लिखा हुआ नेक्स्ट वर्ड, पैट्रीसाइड मीन्स फादर की हत्या करने वाला, पैट्रीसाइड मीन्स क्या होगा, फादर की हत्या करने वाला। पैरिसाइड क्या होगा, जो अपने पेरेंट्स की हत्या करता, जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर देखिए, पेरेंट मीन्स क्या होता है, पेरेंट्स होता है, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, पेरेंट्स से। सेकेंड है आपका फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, जो अपने भाई की हत्या करता है, मतलब आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वन हु किल्स ओन ब्रदर, वन हु किल्स ओन ब्रदर क्या होता है आपका, पैट्रीसाइड। बात करते होमोसाइड की, ये होता है आपका नरवध, नरवध या नर हत्या बोलते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जात के वन हु किल्स, इसको कैसे बोल सकते हैं हम, One who kills human being, one who kills human being, वो आपका क्या होता है, होमोसाइड होता है। सुसाइड तो जानते हैं, जो अपने आप को उड़ा दे, वो आपका क्या होता है, सुसाइड होता है। सोरोरोसाइड क्या होता है आपका, one who kills own sister, जो अपनी बहन की हत्या कर दे, मर्डर कर दे, वो क्या आपका क्या होता है, सोरोरोसाइड होता है। देखिए एक वर्ड आपका दिया गया है एक्जोरिसाइड, एक वर्ड होता है आपका एक्जोरिसाइड। एक्जोरिसाइड क्या होता है, एक्जोरी मीन्स होता है वाइफ, क्या होता है, वाइफ, तो जो अपनी वाइफ की हत्या कर दे वो आपका क्या होगा, एक्जोरिसाइड होगा। मतलब वन हु किल्स ओन वाइफ। ठीक, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वन हु किल्स हिज फादर, बताइए वन हु किल्स हिज फादर, जो अपने पिता की हत्या कर दे वो आपका क्या होगा, पैट्रीसाइड। वन हु किल्स हिज मर्डर, मैट्रीसाइड। वन हु किल्स द पेरेंट्स, पैट्रीसाइड। वन हु किल्स हिज ओन ब्रदर, क्या होगा, फ्रेट्रीसाइड। क्लियर है सबको, तो ये बात हरदम याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपका रूट वर्ड आ जाए, रूट वर्ड क्या आ जाए साइड आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो हमारा किससे रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में यहीं तक, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट रूट वर्ड। अभी से बता दे रहे हैं कल हमारा रूट वर्ड क्या रहेगा, हमारा कल रूट वर्ड रहेगा फोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा हमारा कल रूट वर्ड, फोबिया। फोबिया मीन्स होता है डर, क्या होता है, डर, फियर। इसे एक तरीके से डिसलाइक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे डिसलाइक भी बोलते हैं। ठीक है, कल हम ये दोनों वर्ड फोबिया को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।